आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी है। तो लाहौर के 14 कौमी असम्बली और 30 सूबाई असम्बली के कागजात नामजदगी जमा कराए जाएंगे। पंजाब भर से मखसूस नशिस्तों और अकलियती नशिस्तों के भी कागजात जमा कराए जा रहे हैं। ये सिलसिला 22 दिसंबर तक जारी रहेगा। कागजात नामजदगी जमा करवाने का ये सिलसिला, इस हवाले से मजीद जानेंगे सच्चा से। ये सच्चा आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, आम इंतखाबात का जो है वो कागजात जमा कराने का सिलसिला जारी है। 20 तारीख से लेकर 22 तारीख तक कागजात नामजदगी जमा कराने का दौरानिया है। इसके बाद 23 और 24 तारीख तक कागजात की जांच पड़ताल की जाएगी। उसके बाद मरहलेवार जब आगे बढ़ेगा तो जो इतराजात आयद किए जाएंगे, जो लाहौर हाई कोर्ट का ट्रिब्यूनल बनाया गया है इंतखाबात के हवाले से, तो उम्मीदवारान जो है वो हाई कोर्ट से रजू करेंगे और 10 तारीख तक जो है वो हाई कोर्ट जो इतराजात पर केसों की समाअत करेगा और 11-12 तारीख को हतमी लिस्ट जो है वो उम्मीदवारों की जारी कर दी जाएगी और 13 तारीख को उम्मीदवारों को जो है वो इंतखाबी निशान अलाट कर दिए जाएंगे। आज लाहौर के 30 सूबाई हलके और 14 कौमी असम्बली के हलके जो है उनके कागजात जमा करवाने के लिए उम्मीदवारान जो है वो सूबाई इलेक्शन कमीशन पंजाब के दफ्तर में आ चुके हैं। अभी तक जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की रहनुमा सोशल एक्टिविस्ट हैं सनम जवेद, उनके वालिद भी यहां से 3 नशिस्तों के लिए कागज लेके जा चुके हैं, एमपीए की सीट के लिए, एमएनए की सीट के लिए और एक मखसूस नशिस्त के लिए कागजात लेके गए हैं। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के राणा मुबशर इकबाल, इसके अलावा नज़ीर चौहान और दीगर अनमा जो है वो इधर से कागजात वसूल कर चुके हैं। जो 44 रिटर्निंग अफसरान है लाहौर में और 88 असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान मुख्तलिफ मकामात पर अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। तमाम मराहल जो है वो 20 तारीख से जो है वो 13 तारीख तक इंतखाबी निशान अलाट होने तक तमाम रिटर्निंग अफसर और असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान जो हैं वो अपने फराइज सर अंजाम देते रहेंगे। 13 तारीख को जो है वो इंतखाबी निशान जो है वो अलाट होने के बाद उम्मीदवारान अपने अपने हलके में कैंपेन का आगाज़ कर देंगे। जी।